ब्रॉक लेसनर को WWE ने सस्पेंड किया। आज के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में क्या है उसका रियल रीजन देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो का देखना, चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेकन जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाए। आज के स्मैकडाउन लाइव में हमने देखा रोमन रेंस क्राउन जॉन में ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद रिंग में आते हैं। वो पॉल हेमन से चर्चा करते हैं कि तुम्हें मेरे पास टाइटल फेंकना, तुमने नहीं फेंका, तुमने ब्रॉक लेसनर के हाथ में फेंका, लेकिन ये काफ़ी सिंपल था। उसके बाद रोमन रेंस ने कहा ये बातें हम बाद में करेंगे। ब्रॉक लेसनर के बारे में बात किया कि उन्होंने ट्वीट किया था कि वो आएंगे स्मैकडाउन लाइव में, एंड वहाँ पर रोमन रेंस ने उनके लिए भी प्रोमो काटा, उन्होंने हरा दिया है काफ़ी सुपरस्टार्स को, जॉन सीना एज डैनियल ब्रायन वगैरह वगैरह सुपरस्टार को हराया। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर के लिए रुकते हैं तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर करीबन 10-15 मिनट के बाद ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। वहाँ पर वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ पर जो कैमरा लेके रोमन रेंस के मुंह के ऊपर मारने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो होता है रोमन रेंस हट जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो स्टाफ्स आते हैं एजम्पियर्स के साथ, उन्हें भी ब्रॉक लेसनर नहीं छोड़ते, रेफरी को भी मारते हैं। वहाँ पर पिटाई उसोस की भी होती है, लेकिन वहाँ पर जो है चीज़ारो वो रोक लेते हैं ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर रुक जाते हैं। फिर उसके बाद रिंग में एडम पियर्स आके कहते हैं मेरी है, ये मेरा शो है, ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड कर रहा है। ब्रॉक लेसनर वहाँ पर विदाउट थीम सॉन्ग आते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मुझे सुना नहीं दे रहा, मैं रिंग में आके सुनता हूँ। वहाँ पर जो सुनते हैं वहाँ पर जो अटैक कर देते हैं एडम पियर्स के ऊपर, एंड वहाँ पर ऑफिशियली सस्पेंड हो चुके हैं। क्या उसका सस्पेंड करने का रीज़न, तो देखो आपको बताऊँ, WWE को शायद ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस की फ्यूड ज़रा एक्सटेंड करनी है, यानी बढ़ानी है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि WWE को ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस की फ्यूड काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ्यूड दिखानी है WWE में। देखो ये भी स्टोरी लाइन का प्लाट है, उन्हें तो देखो स्टोरी लाइन का ही पार्ट है, WWE ने उन्हें सस्पेंड बिल्कुल भी नहीं किया, ये सिर्फ स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। और रीज़न इनका यही है कि WWE को काफ़ी अच्छी फ्यूड दिखानी है, और यहाँ पर जो उनकी स्टोरी लाइन मुझे लगता है कि थोड़ी एक्सटेंड होगी, यानी कि बढ़ेगी, और वहाँ पर ही ये सस्पेंड किए गए हैं। तो बस आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके आपकी राय जरूर बताना कि आपको क्या लगता है किस लिए ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड किया है आज के समय में। लाइव में कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक इतने, गुड बाय, टेक केयर।